ये ये 2013 मॉडल स्कॉर्पियो है, एमहॉक है। इसका स्टेयरिंग रैक से आई सील लीक हो गई थी, तो ऑयल गिर रहा था, तो हम लोग इसको रिपेयर कर रहे हैं। तो राड तो हम लोगों का अभी परफेक्ट था, थोड़ा मोड़ा इस पर जंग लगा था, तो हम लोग पेपर मार के इसको पूरा क्लीन किए हैं। अगर ज़्यादा गड़बड़ रहता तो हम लोग इसको लेथ मशीन पे टर्न करवा के सही करवाते हैं, तो मगर लेथ मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हम लोग पेपर से मार के इसको सही कर लिए हैं, परफेक्ट है राड। आए जो ये इसके नीचे वाली जो आई सील होती है, इसके रैक के अंदर वाली आई सील, ये वाली आई सील हम लोग फिट कर दिए हैं, दिख रहा है बाबू, ये आई सील हम लोग फिट कर दिए हैं। हम लोग अब ये कम्प्लीटली इसमें ऑयल और ग्रीस लगा के लुब्रिकेंट करके हम रैक को डालेंगे, कम्प्लीटली रैक डाला जाएगा। तो हम लगाएंगे यहाँ ग्रीस, दांते बिगड़ी से इसलिए लगाया जाता है कि अंदर आई सील जब जाए तो दांता से आई सील कटे ना, उसके लिए इसमें आई सील लगाए, ग्रीस लगाया जाता है आई सील को बचाने के लिए। कम्प्लीटली हम लोग राड डाल रहे हैं अंदर, कम्प्लीटली हम लोग राड डाल दिए हैं, ये फाइनल राड चला गया है अंदर, टेप नहीं फटा, नहीं तो फट जाता तो फंस जाता उसमें जाके। हम लोग इसको टेप को उतार देंगे, नहीं तो इसके कोर से फट जाती आई सील, उसके लिए टेप लगा दिया जाता है कि आई सील पर कोई जरब ना पड़े, सेफ आई सील अंदर चली जाए। राड पे टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये धारीदार होता है आई सील को काट देता, उसके लिए हम लोग यहाँ टेप लगा देते हैं। फाइनली राड तो हमारा चल गया है, अब हम लोग इसके कंप्रेसर को चेक करेंगे, कहीं आई सील, देखिए ये राड जो है हम इसे दाबेंगे तो ऐसे बाहर आना चाहिए, नहीं तो अगर ये गड़बड़ है तो ये लीक कर जाएगा, देखिए है ना, ये देखिए इसको दाबेंगे छोड़ेंगे तो बाहर आएगा। देखिए इस तरह, अगर ये लीक कर रहा है जान लो कि दिक्कत है, आई सील में प्रॉब्लम है। हम लोग फाइनली अब ये आई सील लगाएंगे, इसका बाहर वाला हिस्सा जो है इसमें, आई सील बिल्कुल चेक कर रहे हैं हम लोग, ये इस पर हल्का सा बारी बनी हुई है, थोड़ा सा बंद कर चलो। स्टेयरिंग की है आई सील जो है बैठा लिए हैं, आई सील हम लोगों की बैठ गई है, इसमें ओरिंग बहुत ज़रूरी बदलना होता है, ये पुरानी वाली ओरिंग हम निकाल दिए हैं, ये नई वाली ओरिंग है, ये पुरानी ओरिंग है, इसको हम लोग यहाँ फेंक दे रहे हैं, ये नई ओरिंग है, बहुत ज़रूरी लगाना होता है। देखिए नई वाली ओरिंग लग गई, ये आई सील हमारी फिट हो गई है, अभी हमारा इसका लगाने का लोकेशन देखो ये है, हम लोग थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे तो ग्रीस लगाया जाए, हल्का ग्रीस लगा लें, थोड़ा मुलायम रहेगा।
लगवा था ना बाबू। देखिए इसका लोकेशन यही है, आईसी हम लोग फिट कर दिए हैं। अब देखिए इसको हम लोग अंदर लगाएंगे। इस पर एक कॉलर होता है, कॉलर कहाँ है बाबू, वो है दो, इसमें लॉक होता है, यही लॉक होता है, यहाँ कोई नट बोल्ट नहीं रहता है, लॉक होता है यहीं पर। तो हम लोग फाइनली अब इसको यहाँ से लगाया जाएगा। इसका देखिए ये लॉक का यही यहाँ पे पिन फंसाया जाएगा नचा के, इसी में हम लोग इसी के सीधे में इसको डालेंगे। फाइनली लोकेशन पे हमारा ये आ गया है। अब यहाँ हम लॉक फंसाएंगे। नहीं ये लॉक सही है, देखिए लॉक हम यहाँ नोक पिला दो बाबू। देखो ये नोक क्लियर होगा, देखिए इसके माध्यम से हम लॉक को धीरे धीरे अंदर कर लिए। ये फाइनली हमारा दोनों लॉक हो गया। अब ये रैक निकल नहीं सकता इसमें से। हम लोग अब रैक के एयर को चेक करेंगे कि हमारी आईसील परफेक्ट है, काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए इसको हम मुनेंगे, ढकेलाओ, देखिए यहाँ से मुन देंगे, छोड़ो, देखिए इतना करेगा। अब बाबू अब उधर ढकेलो, ये रुक जाओ, अब ढकेलो, देखिए इन दोनों काम बढ़िया कर रहा है, रुक जाओ, चला इसको ढकेलो। अब ये दोनों तरफ से राड अच्छा काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है बाबू, एकदम सटीक आना चाहिए बाबू। देखिए फाइनली अब हम लोग दोनों को दबा लेंगे तो ये बहुत जाम हो जाएगा। दाबो दाबो, अभी दबेगा भी नहीं। कंप्रेसर ऐसे चेक किया जाता है, कंप्रेसर अगर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है, कंप्रेसर ऐसे ही होना चाहिए। अगर कंप्रेसर इतना नहीं बन रहा है तो ऐसे लीक है, तब समझ जाओ कि सक्सेस नहीं है। कंप्रेसर बहुत अच्छा है। अब हम लोग फाइनली इसका पिनियन लगाएंगे। पिनियन लगाएंगे, आप पिनियन के अंदर बहुत बारीकी आईसील होती हैं, तो आईसील का बदलना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अब इसकी आईसील अंदर की पूरी रिप्लेस करेंगे। आईसील इसमें देखिए डैमेज है, किसी मैकेनिक ने कभी बनाया रहा होगा इसको। देखिए यहाँ ये आईसील अंदर घुसी है, ये आईसील बाहर है, आईसील डैमेज रहेंगी, इसी तरह लीक करता रहेगा ये। अब हम लोग फाइनली इसको फिर इसमें आईसील किट कम्प्लीट डालेंगे, इसको भी रिप्लेस किया जाएगा। ये इसकी किट है बाबू, कपड़ा दो, इसको साफ किया जाएगा, इसको अच्छे से धुलाई उलाई करेंगे। ये आईसील हमारी देखिए एकदम लूज है, यहाँ से भी आयल लीक करेगा, ये लूज है, बिल्कुल लूज है, ये लीक करेगा, सही नहीं है। अब हमको निकालने के लिए इसको निकालने के लिए हम लोग के पास स्पेशल तरीका, स्पेशल टूल है। ये आईसील और बैरिंग दोनों साथ में निकलता है। आईसील निकालेंगे तो जाहिर सी बात है बैरिंग आ जाएगी बाहर, क्योंकि बैरिंग पहले है बाद में आईसील है, तो दोनों कंप्लीट सेट निकालना पड़ेगा। बाबू ने इसकी गोटी लाओ, हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग का स्पेशल टूल है। आईसील निकल गई, देखो आईसील है, ये बैरिंग है, थोड़ा इसकी सफाइया करो, इसको हम लोग अभी धुलवाते हैं, थोड़ा कचरा है इसमें, इसको बॉडी को भी धुलाई मारो, इसको भी धुलाई मारो,
हाँ इसको भी धुलाई मारो, चलो बाबू फटाक से धुलाई मार के लेके आ जाओ। ये फाइनली हम लोग इसको बढ़िया से क्लीन कर लिए हैं, पेट्रोल से धुले हैं, अच्छा से पेट्रोल से धुलाई हो गई है। इसकी ये बैरिंग है जो आई सील के यहाँ रहती है, इसको भी अच्छे से धो दिए हैं। ये पिनियन बॉडी जो है, ये पिनियन बॉडी ये भी देखिए अंदर से एकदम सब क्लीन कर दिए हैं, चमक रही है। अब इसमें हम लोग आई सील सेट करेंगे, फिर पिनियन सेट करेंगे। तो हम आई सील पहले नापेंगे कि हमारी आई सील की कंडीशन क्या है, प्रॉपर ठीक है कि ढीली है। हमारा ये रहा पिनियन, पिनियन में आई सील हम नापेंगे अपनी। आई सील बिल्कुल चकाचक है, टाइट आई सील जाना चाहिए, आई सील भी एकदम परफेक्ट है। दूसरी वाली आई सील चेक कर लें, ये भी ठीक है, ये भी आई सील बढ़िया है, आई सील टाइट रहेगी तो लीक नहीं होगी, ये भी परफेक्ट है, दोनों आई सील परफेक्ट है। अब हम लोग इसको कंप्लीट फिट करेंगे। ये नई आई सील है, नई आई सील है, बैरिंग तो पहले हमारी ये आई सील फिट होगी। ये हाँ बाबू 24 का गोटी दो, 24 की गोटी दो, देखिए आई सील को सेम सटीक देखिए साइज वार है। अब इसी की मदद से हम लोग बैठाएंगे, नहीं तो हम अलग कोई डालेंगे तो ये फट सकता है, आई सील सही नहीं बैठेगी, तमाम परेशानी रहेगी। तो हमारे पास स्पेशल टूल इसका है, हम लोग टूल से ही काम कर लेते हैं। बस आदमी के पास परफेक्ट दिमाग होना चाहिए। हल्का सा ग्रीस लगाएंगे, आप आई सील देखिए, हमारा ये आई सील का लोकेशन है। हम इसको ऐसे डालेंगे, फाइनली ठोक देंगे, अभी बैठ जाएंगे। आई सील हमारी बैठ गई है, फाइनली आई सील कंप्लीट बैठ गई है। थोड़ा सा कोर कसर ना रह जाए आई सील बैठने में, उसके लिए दोबारा तिबारा चेक कर लेना चाहिए। आई सील परफेक्ट है, हमारी बैरिंग है ये है। तो फाइनली बैरिंग को हम लोग देखिए, ये लोकेशन है बैरिंग का, फाइनली ये भी बैठा दिए हैं। अगर आवाज़ चेंज हो जाए समझ लीजिए कि वो परफेक्ट बैठ गया है, आवाज़ चेंज हो गई है, बैठ गया है। ये फाइनली हमारा बैरिंग सेट हो गई है, आयसिल सेट हो गई है आयल से। पिनियन परफेक्ट हो गया एकदम, आई सील बैठाएंगे, न्यू वाली आई सील है, इसको चेक करके रखे थे हम लोग। देखिए हाथ से ही बैठाना होता है, मगर बहुत परफेक्ट होना चाहिए, एकदम बराबर। फाइनली हमारा पिनियन रेडी हो गया है, अब हम लोग रैक में डालेंगे इसको, रैक बॉडी में पलीट पिनियन डालेंगे रैक में। तो हम जब रैक में डालेंगे तो हमारे जो रैक का ये रैक का जो दांता होता है, ये जो कट होता है,
एकदम पिनियन के सटीक सीधे में रखना होता है, तभी जाके दांता दांता में जाके सेट होगा, तभी जाके ये परफेक्ट बैठेगा। तो कंप्लीट हम लोग इसको सीधा कर लिए हैं, अब डाल रहे हैं। तो ये हम लोग फाइनली एकदम फाइनली लगा दिए हैं, इसको फंसा भी ले रहा है। भाव इसका कहाँ है, 12 नंबर। हम लोग अब पिनियन को टाइट कर लेंगे, 12 नंबर गोटी की मदद से। ये तो फाइनल टाइट हो गया है, ये इसको हम लोग कंप्लीट टाइट कर दें। पूरा टाइट हो गया है। अब हम लोग इसके पीछे होता है 17 नंबर पिनियन में, पिनियन के लॉक करके रखता है। तो हम लोग इसको भी टाइट करेंगे। 17 नंबर गोटी दे बाबू, ऑन करा। ये पिनियन का पीछे वाला 17 नंबर बोल्ट होता है, ये हम लोग इसको टाइट कर रहे हैं। बस आप करा आयत कवर को हम लोग लगा लेते हैं कि इससे धूल मिट्टी अंदर ना जाए, और आर्क लगा दें कि यहाँ से भी कोई डस्ट वगैरह ना जाए। अब हम लोग फाइनली डम्फर किट लगाएंगे। फाइनली डम्फर किट का लोकेशन हम लोग यहाँ डम्फर किट डालेंगे। स्प्रिंग हमारी जो है पुरानी वाली थी, तो हम लोग नई स्प्रिंग डालेंगे। पुरानी वाली बहुत छोटी है, थोड़ा हार्ड रहेगी तो ठीक है। तो हम लोग फाइनली स्प्रिंग नई वाली डाला है। समय यहाँ थोड़ा सा हल्का सा प्ले देख लेना चाहिए, हल्का सा प्ले होना चाहिए यहाँ, हल्का प्ले होना चाहिए यहाँ। स्टीयरिंग हम लोगों की पूरी कंप्लीट फाइनल हो गई है। इसको हम लोग टाइट को इसको बढ़िया से टाइट कर लिए हैं, स्टीयरिंग बाल जॉइंट को दोनों तरफ से चाप के टाइट कर लिए हैं। अभी बूट लगा देंगे, बूट लगा के टाई बेल्ट से बांध देंगे। हमारी स्टीयरिंग बिल्कुल चकाचक हो गई है। पावर स्टीयरिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो 2013 मॉडल, ये हमारी स्टीयरिंग पूरा फाइनल हो गई है। हम लोग इसको गाड़ी में लगा के फाइनली चेक करेंगे।